अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं कि हम कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं। हम उसको इनपुट देते हैं कैलकुलेटर को कि 2 को प्लस कर दो 2 में। कैलकुलेटर जो है वो जो प्लस का फंक्शन है 2 को प्लस करता है 2 में और आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो कर देता है। और आउटपुट शो करता है कि 2 को जब 2 में प्लस किया तो इक्वल आ गया 4 के। इसका मतलब ये है कि हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, कोई डाटा देते हैं जिसके अगेंस्ट फंक्शन करके हमें जो आउटपुट है वो मिलती है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन, पीटर ड्रीकल एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिसने 1837 में फंक्शन की कुछ डेफिनेशन इस तरीके से दी है। वो कहता है इफ वेरिएबल एक्स इज सो रिलेटेड टू वेरिएबल, पीटर ड्रीकल एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उसने 1837 में फंक्शन की कुछ डेफिनेशन इस तरीके से की है। वो कहता है जी इफ वेरिएबल वाई इज सो रिलेटेड टू वेरिएबल एक्स, कि वेरिएबल वाई जो है वो वेरिएबल एक्स के साथ इस तरीके से रिलेट करता हो, दैट व्हेनेवर अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज असाइंड टू वेरिएबल एक्स, कि जब एक्स को कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, देयर इज अ रूल अकॉर्डिंग टू विच अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई इज डिटरमाइंड, कि वहां पे एक उसूल होना चाहिए, कि एक कानून होना चाहिए जिसके मातहत जो वाई की वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाए। Then y is said to be the function of independent variable. तो y जो है independent variable का function कहलाएगा। Independent variable कौन सा है? जो हमने value assign की है। ठीक है? तो variable independent वो होते हैं जिनको जो value assign की जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि variable x independent variable के against function होगा। तो x है हमारा independent variable। ठीक है? अब इसकी example देखते हैं। एग्जाम्पल है जी मेरे पास एक, लेट्स सपोज एग्जाम्पल है मेरे पास y इज इक्वल टू 7x। अब इस एग्जाम्पल के अगेंस्ट हमने चेक करना है कि फंक्शन क्या है। अब वो कहता है जी x और y के दरमियान में ऐसा कनेक्शन हो कि जब x को वैल्यू साइन की जाए तो y जो है एक डिटरमिन करे वैल्यू। अब y को मैं बोल देता हूं जी लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ x का मतलब फंक्शन ऑफ x। तो y अगर इसके इक्वल है इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 7x। इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, f फॉर फंक्शन x, x का इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू पुट करें तो क्या वैल्यू निकलती है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या निकलती है, x की वैल्यू तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या निकलेगी। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर मैं x पुट करता हूं यहां पे 1, जहां जहां इस इक्वेशन में 1 है वहां वहां 1 पुट कर दें, f ऑफ 1 इक्वल टू 7 इंटू 1 7 f ऑफ 1। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 पुट की, y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इसका मतलब y 1 आ गया। ये तो x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या निकल आई, 7। यहां पे हमने f ऑफ x को y के को रखा था, इसका मतलब ये f ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल है, y के। तो x की वैल्यू 1 से y की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, 7। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो f ऑफ 2 इक्वल्स 7 इंटू 2, f ऑफ 2 इक्वल्स 14। इसका मतलब 2 रखने से हमारे पास 14 वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो f ऑफ 3 इक्वल्स 7 इंटू 3, f ऑफ 3 इक्वल्स 7 3 21। इसका मतलब x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू मेरे पास 21 आ जाती है। ठीक है, तो
इस तरीके से कि एक वैल्यू एक्स की वैल्यू देने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिटरमिन की जाती है, तो इस प्रोसेस को या इस रूल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे डिटरमिन की जाती हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।